नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक करके बताएंगे। दोस्तों दिल्ली दंगे के बीच गृहमंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक 24 की गिरफ्तारी। राकेश अस्थाना उतरे सड़कों पे, दी मुस्लिमों की चेतावनी, अगर सोशल मीडिया पे गलत वीडियो फैलाए तो कार्रवाई ताबड़तोड़ करेंगे। आपको बता दें अब तक 23 जिहादियों हुई गिरफ्तार, FSL टीम ने भी जाँच की, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। गृहमंत्री शाह ने किए ताबड़तोड़ एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई की होने लगी मांग। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दुनिया भर में इस्लाम का विरोध शुरू, खतरे में आया मुस्लिम का अस्तित्व। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, दुनिया भर के कई देशों में मुस्लिमों का विरोध, इजराइल से लेकर के स्वीडन में भी कुरान की बेअदबी के बाद देश भर में आगजनी। स्वीडन से लेकर के इजराइल तक, फ्रांस से लेकर के भारत तक बड़े पैमाने पर इस्लाम का विरोध के बीच अब मुस्लिमों का संकट, वो हम आपको बताएंगे। सऊदी अरब का बयान आया है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी के एक खेला के बाद घुटने पाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ। जी हाँ, पीएम मोदी को फिर से खुला खत लिखकर कश्मीर पे की मांग, पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले बड़ा खेला। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, श्रीलंका ने भारत के सामने लगाई गुहार, भारत पीएम मोदी से कहा बचा लो देश को, IMF से तत्काल फंड मांगी, IMF से फंड हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया है, आर्थिक मदद की गुहार लगाई, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, ल्यू शहर में रूस ने फिर से दागी 5 टावर तोड़ मिसाइलें, 6 लोगों की मौत, यूक्रेन के पीएम बोले आत्मसमर्पण नहीं करेगा देश। तो एक एक करके दोस्तों देश दुनिया की बड़ी खबर बताएंगे। जहां सेना कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है सीमा सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, वो हम आपको बताएंगे। WHO की टीम जो है वो भारत आई है, WHO के जो चीफ हैं वो भारत आए हैं, गुजरात में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, वो हम आपको बताएंगे। यूक्रेन जंग की वजह से हर पांचवा इंसान भुखमरी और गरीबी का शिकार हो सकता है, नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तो वे के करके बताएंगे, POK एक्टिविस्ट ने कहा अत्याचार खिलाफ आवाज उठाने पर घोषित किया गया है देशद्रोही, POK में उठने लगी आवाजें। तो वे के करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब ना किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दिल्ली दंगे के बीच गृहमंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक 23 की गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने खुले आदेश दे दिए हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर चलाया पत्थर मारे, तत्काल गिरफ्तारी करो उनको, लगाओ UAP जो होगा देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह लगातार पल पल की अपडेट दिल्ली दंगे के बीच ले रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आई, जहां पर दिल्ली दंगे में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने फिर से पथराव किया, यानी फिर से ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां गिरफ्तारी करने गए, लेकिन अब तक आपको बता दें 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। FSL की टीम जो है वो मस्जिद में पहुंची है जांच करने के लिए, आखिर क्या है पूरा मामला। अब तक दोस्तों आपको बता दें पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी, धरपकड़ लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अगर जो भी अफवाह फैलाएगा और जो भी इस तरीके की चीज़ें करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो आपने देखा होगा, पुष्पा स्टाइल में हाथ घुमा रहा था मुख्य आरोपी, उससे मुख्य आरोपी पुलिस ने बनाया है मोहम्मद अंसार जो है वो पुलिस कस्टडी में था, तो वो हाथ पुष्पा स्टाइल में दिखा रहा था पुलिस के सामने, और अब पुलिस ने उसकी जमकर सुताई कर दी है। मामला निकल के आ रहा है कि जमकर पुलिस ने कूटा भी है और कूटने के बाद उसे मुख्य आरोपी बना दिया है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे हाथ घुमाता नजर आ रहा है ये व्यक्ति, पुष्पा स्टाइल में अपने आप को नेता कह रहा है, इसकी जमकर क्लास ली है पुलिस प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने इसे पहले तो खूब कूटा है और इसे रिमांड पर ले लिया है, 14 दिनों की पुलिस हिरासत में ली गई और जमकर इसकी कुटाई होगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें इसे मुख्य आरोपी बनाया गया है, पुष्पा स्टाइल की जितनी रंगबाजी है इसकी सब निकल गई। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने से बाज आने की बात कही है। वहीं आपको बता दें जहांगीर हिंसा मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, 4 दिन पहले लश्कर तैयबा में शामिल होने वाला आतंकी आमर पुलिस के हाथ चढ़ा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में पुलिस ने लश्कर तैयबा LET के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तारी गत रविवार 17 अप्रैल को की गई थी, गिरफ्तारी आतंकी लारो बांडीपोरा का रहने वाला है। आपको बता दें
ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक तरीके से आतंकी बनने के बाद 17 अप्रैल को हुई थी, और यही कारण है कि अब ये गिरफ्तारी को बीच ताबड़तोड़ गिरफ्तारी और ख़ास करके जो खुलासे हैं चौंकाने वाले, क्योंकि लश्कर ए तैयबा में आतंकी शामिल होने वाला आतंकी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, सेना कमांडरों की बैठक शुरू हो चुकी है, सीमा सुरक्षा और रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित प्रभाव पर हो रही है चर्चा। दरअसल दिल्ली में सोमवार सेना का 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। इसमें सेना के शीर्ष कमांडर चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध के किसी भी संभावित प्रभाव के आकलन भी करेंगे। दिल्ली में होने वाले ये सम्मेलन 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें इसकी बैठक शुरू हो गई जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल भी शामिल होंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुनिया भर में इस्लाम का विरोध शुरू हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्वीडन में कुरान की बेअदबी, फ्रांस में बुरके पर बैन, इसराइल में भी अलाक्षा मस्जिद में घुसी पुलिस, और भारत में भी इस तरीके से अब जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी चल रही है मुसलमानों के, उसको देखते हुए दुनिया भर में विरोध जारी है। स्वीडन में भी कुरान बेअदबी के मामले में ही अब विरोध शुरू हो चुका है, जहाँ पर आपको बता दें बड़े पैमाने पर आगजनी की मामले निकल के आए हैं। यहाँ पर मुसलमानों ने फिर से दंगा शुरू कर दिया है। स्वीडन में भी दंगे जारी हैं, और इसके साथ साथ इसराइल में भी पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें दुनिया भर में विरोध तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें सऊदी अरब ने स्वीडन में जानबूझकर कुरान शरीफ जलाने की घटनाओं की निंदा की है। सऊदी अरब ने विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्रालय स्वीडन में कुछ चरमपंथियों द्वारा पवित्र कुरान के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी मुसलमानों के खिलाफ उकसावे और भड़काए वाली कार्रवाई के सऊदी अरब की निंदा दर्ज करता है। इसे कहा गया है कि किंगडम संवाद सहित अस्तित्व के मूल्यों को फैलाने पर जोर दे रहा है। तो ये दुनिया भर में, फ्रांस में भी दोस्तों लगातार दोनों राष्ट्रपतियों ने कहा बुरका बैन करेंगे, कोई कट्टरपंथी इस्लामिक मस्जिदों को बैन करेंगे, कोई मदरसों को बैन करने की बात कर रहे हैं। अलक्षा मस्जिद में लगातार विवाद जारी ही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी के खेले के बाद घुटने पर आया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कहा मोदी जी से मोदी के सामने न केवल शांति बल्कि मेमियाँ रहा है। सभी गठबंधन सहयोगियों को मंत्रिमंडल के बीच, आपको बता दें बड़ी खबर एक बार फिर से, नया लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बातें कर दी हैं। दरअसल आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहां देश के बीच सार्थक जुड़ाव की पेशकश की है। आपको बता दें शहबाज शरीफ जो है वो उसके हालात सही हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में स्पष्ट कर दिया था कि आप देश में भ्रष्टाचारी भुखमरी दूर करने आए हैं वही करिएगा, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में 3-5 करने की कोशिश की या जम्मू कश्मीर में के प्रवक्ता बनने की कोशिश की तो फिर आपको परिणाम भुगतने होंगे। और वही चीज़ें अब निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर के मसले पर, घुटने पर आ चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मसले पर सिर्फ और सिर्फ आपसे शांति की बात करते हैं और हमें जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं चाहिए। तो ये सीधा सीधा घुटने पर आए शहबाज शरीफ में मियाने लगा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ल्यू शहर पर रूस ने दागी 5 ताबड़तोड़ मिसाइलें, 6 लोगों की मौत। यूक्रेन के पीएम बोले आत्मसमर्पण फिर भी नहीं करेगा देश। यूक्रेन के पश्चिमी शहर क्ल्यू में सोमवार तड़के रूस ने सोमवार से मिसाइलों से हमला कर दिया, और इस हमले के बाद कई विस्फोट हुए थे जिनमें 6 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय गवर्नर के हवाले से बताया है कि यहाँ पर कम से कम धमाके हुए हैं, और चश्मदीदों ने बताया है कि यहाँ पर कई सारे धमाकों की आवाज़ों को सुना गया है। क्यू में मेयर एंडी सदोई ने सोमवार को फेसबुक पर शहर में कई मिसाइलों हमलों की जानकारी दी। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि 5 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। इमरजेंसी सर्विसेज घटनास्थल पर पहुंच गई थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले लगातार रशिया जारी है। हम चलते हैं और ब्रिटिश श्रीलंका ने भारत के सामने टेके घुटने लगाई, पीएम मोदी से गुहार, कहा आर्थिक मदद कीजिए वरना देश बर्बाद हो जाएगा, IMF से फंड हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा द्विपक्षीय राष्ट्र। दरअसल आपको बता दें अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने भारत सामने फिर से तत्काल आर्थिक मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से फंड मिलने तक भारत से आर्थिक मदद की आग्रह किया। IMF से फंड मिलने में 3-4 महीने लग सकते हैं। इस बीच वित्त मंत्री अली जाबरी IMF से विश्व बैंक से वेल आउट पैकेज के लिए बातचीत के भारत से शुरुआत की। एक और अपडेट, यूक्रेन जंग की वजह से हर 5वां इंसान हो सकता है भुखमरी का शिकार। जी हाँ,
नई रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में आज 54वां दिन है। 54वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है। जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपना देश छोड़ पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का खतरा पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश के अनुसार यूक्रेन संकट दुनिया के हर 5वें इंसान को प्रभावित कर सकती है। इस युद्ध के कारण हर 5वां इंसान भुखमरी का शिकार हो सकता है, या फिर 17 मिलियन से अधिक लोग करीब भुखमरी इसमें डूबो सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पर इमरान खान की कालू करतूत आई सामने। पीओके एक्टिविस्ट के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर घोषित किया गया देशद्रोही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़े इमरान खान के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। जिनों को इमरान खान ने दबाया था, अब वो घरों से निकलकर इमरान खान की सच्चाई बताते रहे हैं। हर दिन इमरान से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। इमरान खान ने सत्ता में रहने के लिए दौरान क्या क्या गुल खिलाए, अब कि उनकी काली करतूतों की पुलिस ने पुलिंदा दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल एक इसलिए है क्योंकि खबर आई है कि तोहफे से मिले 18 करोड़ को हार को बेच दिया गया है, और फिर ये खबर सामने आई है। इमरान अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को एक तरीके से आतंकवादी घोषित कर रहे थे। इस चीज का खुलासा जो है होने के बाद अब हड़कंप मच गया है, और इस चीज का खुलासा भी हो गया है, और इसको लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि अब हम आपके दबाव प्रभाव में नहीं आने वाले हैं, और इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आना चाहिए कि पीओके में किस तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को दबाया जा रहा है, देशद्रोही घोषित किया जा रहा है, पुलिस उनकी हत्या कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हज़ारों ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन पर लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है, मैसेज इसका आप समझिए कि यानी पीओके में लगातार आज़ादी की मांग उठ रही है लेकिन उन्हें दबाया जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की नीयत को। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच शांति वार्ता टूटने का खतरा। विदेश मंत्री दमित्री कुलेबे बोले मरियापोल पर कब्जा से खत्म हो सकती है बातचीत। जी हाँ, दरअसल रूस ने मरियापोल शहर पर कब्जा कर लिया। एक तरफ शांति वार्ता की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ रशिया ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको दूसरी जान दूंगा, यानी आपकी जान बख्श दूंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सरेंडर होना पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से आप सरेंडर करेंगे तो ही इस तरीके की बातें निकल के आएंगी। तो उन्होंने इस तरीके की बातें कही और सीधा सीधा हमला कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉकडाउन में खाना पीने को तरस रहे लोग, उधर पाकिस्तान के साथ वायु विपन्न बना रहा है चाइना। दरअसल चीन में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हो रहे हैं। शंघाई शहर में लॉकडाउन के दौरान पहली मौत दर्ज कर ली गई है। लॉकडाउन की वजह से यहां लगभग 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। घरों में बंद लोगों को खाना और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। शंघाई में लॉकडाउन के कारण लोग खाने पीने के और दवाइयों के लिए मारामारी कर रहे हैं, लेकिन अब इन सबसे अलग चाइना कुछ और ही करने में जुटा है। ऑस्ट्रेलिया पोर्टल द क्लोनसॉक की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशन पर पाकिस्तान में घातर वायु विपन्न बनाए जा रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIP और पाकिस्तानी सेना के अधीन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन टेस्टा ने स्ट्रेन बनाने में जुटा है, और पाकिस्तान की स्लैब में नया वायरस विकसित किया जा रहा है, उसमें बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी स्लैब में घातक स्ट्रेन बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान का इस तरीके का हरकत, और दूसरी तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं, यानी एक बायो वेपन से भी लोग मर रहे हैं और दूसरा बायो वेपन चाइना बना रहा है। ये चीज़ें अपने आप में दिखाती है कि कैसे चाइना पूरी तरीके से दुनिया और मानवता के लिए खतरा बन खड़ा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपग्रेड करने के लिए AI का इस्तेमाल करेगा नासा, रूस के लिए भी खतरे की घंटी। दरअसल रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच चल रहे अपने शक्तिशाली मिसाइलों यूक्रेन हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाइपरसोनिक सेट इंजन को और डेवलप करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू कर रहा है। इससे प्लेन स्पेस और लॉन्चिंग और मिसाइल हथियारों में क्रांति लाई जा सकती है। यूक्रेन में जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? दरअसल आपको बता दें, इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है, जिसके
जनक जॉन मैकार्थी थे। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा, यानी आप सोचेंगे कि मिसाइल सीधा जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर गिरे, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हाइपरसोनिक मिसाइल सीधा जाकर रूसी संसद पर अटैक करेगा। आप जैसा इंडिकेट करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही वो मिसाइल की दिशा और दशा तय होने लगेगी। और यही कारण है कि नासा जो है अब AI सिस्टम पर काम करने लगा है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया है, और रशिया और चाइना के लिए भी नासा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खतरा बना है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से फिर से मांगी सहायता। संयुक्त राष्ट्र का दावा, अब तक 50 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, जेलेंस्की ने हार मानने से किया इनकार। दरअसल दोस्तों मारियोपोल पर लगातार रशिया कब्जा करके मिसाइल अटैक कर रहा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार जारी है। इधर आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तमाम सहयोगी देश मित्र देशों से फिर से मदद मांगी है। आपको बता दें और उन्होंने कहा है कि मारियोपोल शहर कब्जा ये ठीक नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हमें बड़े पैमाने पर सहायता, रक्षा सहायता मांगी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी नया दावा किया है जिनमें 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूक्रेन देश छोड़ चुका है, और आने वाले समय में और भी सिचुएशन ये बढ़ सकती है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अलावा 3 और राज्यों में भड़के थे हिंसा, 140 लोग गिरफ्तार, 300 पर FIR। जी हाँ, दरअसल हनुमान जयंती की बात अगर बात करें तो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में हनुमान जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की घटनाओं के सिलसिले में लगभग 140 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस ने अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई थी, और रविवार को 3 राज्यों में पुलिस ने स्थिति के नियंत्रण में लाने के लिए फ्लैग मार्च भी किया था। जबकि प्रभावित क्षेत्रों में एक तरीके से बात करें हम, निषेधाज्ञा भी लगा दी गई है। पुलिस के अनुसार 3 राज्यों में हिंसा के दंगों को संबंधित दर्ज प्राथमिकी की गई। यानी हनुमान रामनवमी के दौरान तो हिंसा ही हुई, लेकिन हनुमान जयंती पर भी पथराव करने से ये बाज नहीं आए थे। शायद कोई कोर कसर पुलिस प्रशासन के एक्शन पर रही होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल आतंकियों का है स्लीपर सेल, NIA करे जहांगीरपुरी दंगे की जाँच, विश्व हिंदू परिषद ने मांग की, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा NIA जाँच की मांग। मुद्दा, दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA से जाँच कराने की मांग कर डाली है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में जिहादी आतंकवाद बम तैयार है जो कभी भी फट सकता है। आपको बता दें जैन ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच आतंकवादियों के स्लीपर सेल बन गए हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि ANI से इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें इस बीच अल्ताफ बुखारी बोले अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर को आदर्श राज बनाना चाहती है, इन दलों पर लगाया विभाजनकारी राजनीति का आरोप। दरअसल आपको बता दें अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने समाज में लोगों के बीच मतभेद पैदा करने वाले विभाजनकारी तत्वों की निंदा करते हुए रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को उनके सांस्कृतिक विकास और सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। यानी वैसे कई मुस्लिम पार्टी हैं जो लगातार अब आदर्श राज्य बनाने की बात कर रही हैं, तो ये भी चीज़ें निकल के आई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई, नासिक पुलिस हुई सख्त, अजान के समय लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चलाने पर पाबंदी, नहीं मानो तो कार्रवाई करेंगे। ये भी समझ लीजिए महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर विवाद चल रहे, विवाद के बीच नासिक पुलिस कमिश्नर में 3 मई को सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन लेने का आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर अगर लगाना है तो उनके लिए पुलिस से परमिशन लेनी होगी। अगर 3 मई तक पुलिस से परमिशन नहीं ली गई तो उसके बाद धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाया गया तो उन पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। 3 मई के बाद 5 बार लाउडस्पीकर पर हनुमान जयंती का पाठ करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया। दरअसल मनसे चीफ राज ठाकरे ने भी कहा था कि आने वाले समय में हम 5 टाइम हनुमान चालीसा करेंगे और लाउडस्पीकर से अगर अजान बंद नहीं हुई तो ये चीज़ें निकल